सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली गाइज, वरदान सीरीज का शुरुआत हो चुका है। और तो गाइज, बायो और मैथ्स एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। फाइनली गाइज, ये हिंदी का वीडियो आ गया है जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे, है ना यार। तो देखो, चाहे आर्ट्स एंड कॉमर्स के और साइंस के और मैथ्स के कोई दिक्कत नहीं पड़ता है ना, ये वीडियो सबके, या लिटरेचर तो सभी कंपटीशन में आता रहता है, सबके में कॉमन होता है। तो यार नाइन्थ वालों, तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करो, तुम लोग के लिए वीडियो स्पेशल आएंगी, है ना यार। अभी इलेवंथ का ये बना लूँ, उसके बाद तुम लोग की वीडियो मैं लाता हूँ। तो फाइनली गाइज, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या चीज़ है ये। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आज मैं हिंदी का कराने वाला हूँ, है ना यार। ये क्वेश्चन देखो एक बार सुन लो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब मेरे द्वारा प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है ना यार। तो आपका CHS एग्ज़ाम, देखो यार एक चीज़ बता दूँ, CHS एग्ज़ाम आगे हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं यार। देखो, जितना पढ़े हो या पढ़ रहे हो, या पढ़ाई लिखाई तो छोड़ना है नहीं, है कि नहीं। तो यार जितना पढ़ रहे हो, आप टेस्ट करो अपने आप को। तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी इस बार कैंसिल हो गया है, तो यार आप यहाँ पे टेस्ट कर लो ये 25 क्वेश्चन हिंदी के, कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, कौन कौन अपने आप को हिंदी में बहुत तेज समझता है। तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो यार, इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही तेज लेके चलूँगा, है ना यार। मैं मतलब आप स्किप करने के मतलब सोचना भी मत, क्योंकि मैं बहुत तेज ले चलूँगा। जहाँ भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी, आप तुरंत वीडियो को पॉज करना या प्लेबैक कर लेना, है ना यार। मैं फटाफट यहाँ पे 25 क्वेश्चन की फायरिंग करूँगा, उसके चार ऑप्शंस दूंगा, और बीच में थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यार चिंता की कोई बात नहीं है, चालू करते हैं वरदान सीरीज के क्वेश्चंस की फायरिंग। तो फाइनली गाइज, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखो यार, मेरे सामने भी छोटी सी स्क्रीन लगी हुई, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप ये बड़ी स्क्रीन में भी देख के आप कर सकते हो। देखो यार, कंटेंट लाने में, अच्छा क्रिएट करने में थोड़ा समय लग जाता है ना यार, और फिर ये सब सेटअप करने में। तो यार चिंता कोई बात नहीं, आती रहेंगी वीडियो, है ना यार। खैर, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो हिंदी का है, तो यार हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि, तो यार हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताओ यार फटाफट से। मैं आपके सामने ऑप्शंस भी रख देता हूँ। तो फाइनली गाइज, ये चार ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, लगाओ यार इसका आंसर। देखो 25 में 25, वो पहले आपको अवार्ड बता दे रहा हूँ क्या है, जिसके 25 में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे मैं उसका नाम अपने कमेंट में सबसे ऊपर पिन करने वाला हूँ, ताकि लोग आपको देख सके, आपको जान सके कि यार नहीं, आपकी हिंदी बहुत तेज है। तो यार फटाफट लगाओ, मैं इसका आंसर अब शो करने जा रहा हूँ। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। तो यार देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट यार, जोश हाई रखो, है ना यार, ये सब आपके लिए केवल हो रहा है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इस मुहावरे का अर्थ बताओ यार, लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सुने तो हो गई आप, है ना यार, ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो गाइज, ये रहे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। तो यार पढ़ो फटाफट, इसको पढ़ो, है ना, पढ़ो और सोचो, और खटाखट इसका आंसर करते जाओ, स्किप करने कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बढ़ता हूँ अब इसके आंसर की तरफ, मैं बहुत तेज़ी से ले चलूँगा, है ना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो यार बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। तो गाइज, इसका आंसर बी चमक के आ गया है यार, रूढ़िवादी होना। देखो रूढ़िवादी मतलब लकीर का फकीर होना, मतलब अपने जगह से नहीं ना, जो एक बार बोल दिया तो सो बोल दिया, है ना यार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो गाइज, ये क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर किस कवि की रचना है। नाम सुने हो, बताओ यार किस कवि की रचना है, मैं ऑप्शन रखता हूँ आपके सामने। तो गाइज, ये रहे चार ऑप्शन आ चुके हैं आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर क्या यार, बताओ फटाफट से, कमेंट करते रहो अगर सही आंसर पता है तो। लेट के, सो के, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो यार, कोई मैटर नहीं यार, लेकिन आप इसका खुले दिमाग से इसका आंसर देते रहो फटाफट, है ना। तो यार गाइज, मैं इसका आंसर सो भी कर देता हूँ, अब आपको सही आंसर क्या है। तो गाइज, ये निराला ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ये लिखा गया है, तोड़ती पत्थर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो गाइज, फिर वापस एक क्वेश्चन और आ चुका है कि उर्वशी। देखो यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है यार, तो यार छोड़ना मत इन क्वेश्चन को, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई रहती है। तो यार बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है, लगाओ यार फटाफट, ऑप्शन मैं दे देता हूँ। तो गाइज, ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, आई होप आपको सब दिख रहा है क्लियर, यार लगाओ यार फटाफट से, और जहाँ भी आपको लगे कि नहीं स्क्रीनशॉट लेना है या रुकना है, रुक जाना यार, मैं तो बहुत तेज़ी तेज़ी चलने वाला हूँ, है ना। तो यार बढ़ते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ, मैं शो कर देता हूँ।
तो गाइज ये आ गया आपके सामने बड़ा सा सी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर, है ना यार। देखो चाहता तो मैं इस चीज़ को स्लाइड में लगा देता यार, फटाफट दो मिनट में ऐसे खटाखट नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड बाय स्लाइड, लेकिन उससे फील नहीं आता फिर पढ़ने का, है ना यार। अपन लोग क्या देख रहे हैं इस चीज़, देखो यार देख रहे हैं इस सब करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, सुन भी रहे हैं तो जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। तो यार आ गया माथा ठनकना का अर्थ है, माथा ठनकना सुने तो हो गई यार, है ना यार, जो सिंघम में बोलता है अथा माजी सटकली। फिर रखता हूँ मैं ऑप्शन इस सबके सामने। तो गाइज ये रहे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, लगाओ यार आंसर, लगाओ अवार्ड पाओ फटाफट से। तो आई होप गाइज आपने इसका आंसर दे दिया होगा, मैं बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। तो गाइज ये रहा ऑप्शन नंबर डी, चमक के आ गया इतना लंबा चौड़ा, क्या है, अनिष्ट की आशंका होना, अथा माजी मतलब माथा ठनकना, है ना। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बताओ यार निम्न, अच्छा इसके लिए ऑप्शन भी चाहिए होगा आपको, तभी आप इसे बता पाओगे। तो गाइज ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, बताना है कि निम्न में से इनमें से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ध्यान से देना यार, नहीं है, है ना, है नहीं पूछा है, नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन आ ही चुके हैं, फटाफट सोचो यार, कायाकल्प, प्रेम आश्रम, गबन एंड डी ऑप्शन इज कंकाल। बताओ यार कौन सा सही है, नाम सुनिए हो क्या। तो यार मैं इसका आंसर मैं पुट कर देता हूँ आपके सामने। तो गाइज डी ये क्या है, कंकाल। कंकाल जो है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, है ना यार, समझ रहे होगे। तो यार कंकाल है किसका, जानना भी चाहते हो गूगल सर्च कर लो, मतलब मजाक कर रहा, सुनो मन्नू भंडारी जी के द्वारा ये लिखा गया है कंकाल, इनका उपन्यास है। तो यार फटाफट मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की बातें होती रहेंगे आइज, बने रहना पूरा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो बताओ यार क्या लिखा, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, बताओ यार, ऑप्शन चाहिए, ये रहे आपके ऑप्शन स्क्रीन के सामने। तो गाइज ये चार ऑप्शन आ चुके हैं, लगाओ यार फटाफट से, देखो लगाना तो पड़ेगा यार, है ना, लगाना तो पड़ेगा यार, भागना नहीं अपने आपको यार, इतना मेहनत, इतना चीज़ें चल रही हैं केवल आपके लिए, सिर्फ इस वजह से नहीं यार। एग्जाम देखो कोरोना तो बढ़ ही रहा, जिस हिसाब से हमको लग रहा है जैसे पिछली बार हुआ था, हो सकता है वैसा हो जाए, चाहे आप CHS इंट्रेंस एग्जाम भरे हो, ना भी भरे हो, कोई और भी इंट्रेंस एग्जाम भरे हो, है ना यार, तैयारी अपने तरीके से हम पूरी रखेंगे, आगे क्या होता है वो तो फिर देखते हैं। तो यार गाइस इसका आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, मैं इसका आंसर शो कर देता हूँ। तो यार ऑप्शन नंबर ए क्या है, 25, अच्छा स्पर्श व्यंजन पूछा है ना यार। देखो यार स्पर्श व्यंजन क्या, गिन लेना यार, मैं आपको बता देता हूँ, क से लेके म तक जितने भी हैं गिन लेना, काउंट कर लेना, आ जाएंगे आपके 25 स्पर्श व्यंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। तो यार ये देखो यार आपको लग रहे होंगे मैं इतने आसानी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो यार इजी क्वेश्चन आते हैं क्या, आप गाइस देख लेना यार, ये प्रीवियस ईयर प्लस मेरे द्वारा कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जाके सर्च कर लेना प्रीवियस ईयर लगाए हो तो। देखो जो लगाया होगा उसके लिए तो लग रहा होगा क्या यार ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, नहीं यार ये छोटे नहीं है, जिसको नहीं पता है उसके लिए छोटे नहीं है एकदम। तो गाइस फाइनली ये क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी में कितने वर्ण हैं बताओ यार, पता तो होगा ना, ऑप्शन रख दूँ, चलो रख देता हूँ। तो गाइज ये रहे चार ऑप्शन, तो गाइज आई होप आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा, मैं बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। देखो मैं बहुत तेज़ी से लेके चल रहा हूँ, है ना, जहाँ लगे बताया ना पॉज कर लेना। तो गाइज ये रहा क्या है, बी 52 इज़ द राइट आंसर, 52 ठो मतलब आपके हिंदी माला में वर्ण है। तो अच्छा एक बताओ हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण पूछा है ना, तो 52 आपके 52 राइट आंसर है। तो बता देता हूँ कैसे हैं, देखो गाइज 13 आपके स्वर हो गए, है ना, 35 आपके व्यंजन हो गए, और प्लस आपके चार जो होते हैं ना वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, काउंट करके देख लेना, टोटल आएंगे 52, 13, 35 प्लस 4, काउंट करके देख लेना मेरे यार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर, पूछा है कि श्याम सोता है, सोने देने का नहीं नहीं सुनो, श्याम सोता है ये कौन सी क्रिया है। यार क्रिया तो आपने पढ़ी होगी, है ना यार, तो रखता हूँ आपके सामने ऑप्शन। देखो ये यार आ चुका है चार ऑप्शन, ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, क्या है सी, ए और बी दोनों, और डी है आपके सामने कि इनमें से कोई नहीं। तो यार बताओ यार करेक्ट आंसर क्या है इनमें से, आई होप आपने दे दिया होगा। देखो यार पढ़ो यार लाइन को, जो ऊपर लिखा है ये क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ते ही आपके समझ में आ जाएगा कौन सी क्रिया है ना। मैं बढ़ता हूँ इसके करेक्ट आंसर की तरफ।
तो गाइज ये देखो ए है इसका कर्म क्रिया। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो अकर्मक क्रिया वो होती है जिस पे जो क्रिया होता है उस पे कर्ता के ऊपर ही सिर्फ प्रभाव पड़ता है, मतलब जो करने वाला होता है सिर्फ उसी के ऊपर है उसका फल का परिणाम मिलेगा, है ना यार। तो यार सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कुछ कर्म हो रहा है उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ रहा हो। यार श्याम है, श्याम सो रहा है ना, तो उसे फिर मतलब सो रहा है तो उसका प्रभाव तो उसे उस पर खुद ही पड़ रहा है। तो यार बढ़ते हैं, समझ गए हो गया वो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 10। यार करते रहो, रुकना नहीं अभी, है ना यार, अभी 25 मोस्ट बताया ना आपको, करते रहना है। तो यार ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है। देखो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यार, हिंदी के लिए आपने मंगाया था मैं लेके आ गया, तो यार लगाओ ऑप्शन देता हूँ मैं। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, पाली। डी ऑप्शन जो है पाली है, ठीक है यार। आई होप आपने दे दिया होगा यार। देखो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था यार, अगर हिंदी के बारे में जानते होगे तो लगा दिए होगे। मैं जानना चाहता हूँ कि लास्ट में आप 25 में से कितना स्कोर कर पाए हो, है ना। तो बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। तो गाइज बी आ गया है संस्कृत, क्या है, हाँ संस्कृत द राइट आंसर। संस्कृत भाषा जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। अच्छा ये क्वेश्चन के पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, 10 में से अभी तक यार कितना सही कर पाए हो यार, लिख देना ये भी, है ना, 10 में से कितना कर पाए हो। चलो बढ़ता हूँ, इनमें से कौन सा चोर का पर्यायवाची है, मतलब चोर का पर्यायवाची इन ऑप्शन में से कौन है। तो यार मैं रखता हूँ आपके सामने अभी ये ऑप्शन फटाफट। तो गाइज ये आ चुका है ऑप्शन नंबर ए मोशक है। देखो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है वो मोशक लिखा है, बी शशि, सी बेसर और डी है आपका धनद। तो गाइज आंसर दो यार। देखो ये चारों नाम सुने हो क्या, ये जो चारों नाम है पर्यायवाची के, आई होप आपने इसका भी आंसर लगा दिया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। देखो यार जरूरी नहीं है यार कि हर प्रश्न का आंसर आपको पता ही हो, है ना, पहले से मतलब घोर के पी के आए हो। कुछ चीज़ें या कुछ नॉलेज यार हमको कहीं भी सीखने को मिल जाती है, उसे अडॉप्ट करना सीखो, उसे अपने दिमाग में बैठाना सीखो नई नई चीज़ों को, है ना यार। तो बढ़ते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ। तो गाइज आ गया है चोर का जो पर्यायवाची होता है इनमें से वो है मोशक, यानी मोशक का अर्थ होता है चोर। तो यार तो बाकी क्या है, मतलब शशि, बेसर, धनद, ये भी जानना चाहते हो क्या। देखो यार शशि जो है उस वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, और जो आपका बेसर का मतलब क्या होता है, अधिक होना, है ना यार। और धनद का मतलब, धनद किसको कहते हैं, जिसके पास धन हो, अर्थात कुबेर। तो यार यहाँ पे मोशक इज़ द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो गाइस अगला क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि हिंदी भाषा, पढ़ो पढ़ो इधर पढ़ो, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। बताओ यार, ऑप्शन रखता हूँ मैं आपके सामने चार ऑप्शन, ये रहे चार ऑप्शन ए बी सी डी। बताओ यार ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आप मतलब तर्क लगा के भी बता दोगे, है ना, हमें पता है आप बहुत तेज हो हिंदी में। तो यार लगाओ यार, मैं आई होप आप लगा चुके हो इसका आंसर। मैं अब शो करने जा रहा हूँ, है ना यार, मैं शो करने जा रहा हूँ। तो यार ये रहा इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर क्या है, ए उत्तर भारत। उत्तर भारत इज द राइट आंसर। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। हाँ ये देखो यह क्वेश्चन यार अब आया है मज़ेदार। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो यार, तीन लाइन का है ना, पढ़ो, दिख रहा है कि नहीं आपको। चलो थोड़ा देर हट जाता हूँ, फिर देखो इसको स्क्रीन शॉट भी ले लेना। तो यार आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना यार। लिखा है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। क्या रस पहली बार सुन रहे हो क्या, आम का रस, मैंगो रस सुने होगे ना, ये सब गन्ने का रस, वो रस नहीं यार, हिंदी वाला रस की बात हो रही है। तो यार फटाफट मैं आपके सामने ऑप्शंस पुट कर देता हूँ। ये रहे यार, हाँ ये जो आपके सामने ऑप्शन आया ना, ये इस रस की बात हो रही है। तो यार आई होप, देखो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, केवल लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ते ही आपको इन ऑप्शन में समझ आएगा कि वीर रस है कि रौद्र रस है कि अद्भुत रस है, क्या है डी करुण रस है। केवल लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, अर्थ समझने की कोशिश करो बस, कहाँ से लिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। आई होप आपने इसका आंसर फोड़ दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ इसके करेक्ट आंसर की तरफ। तो गाइज इसका आंसर है क्या, बी। देखो यार दिखने में ही लग रहा था, है ना, क्या है, रौद्र रस। यार ऊपर की लाइन पढ़ो आप क्या लिखा है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, यार क्रोध की बात की जा रही, शरीर कांप रहा है, तो यार रौद्र रस ही तो होगा,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो यार देखो, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं यार, छोटे छोटे तो मैं बोलता रहता हूँ, है ना यार। एक्चुअली जब आप एग्ज़ाम देते रहो तो उस समय आपका कंसंट्रेशन अलग होता है ना यार। तो उस समय मतलब आपकी सोचने की क्षमता अलग होती है, आप क्वेश्चन को अलग नज़रिए से देखते हो। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, तो हो सकता है आपको लग रहा हो यार कितना ईजी में अभी फ्लो में चल रहा है ना यार। तो इसका ऑप्शन भी मैं रख देता हूँ आपके सामने। तो यार पत्र लेखन लिखते हो कि नहीं, कि व्हाट्सएप ही चलाते रहते हो बस, पत्र वत्र लिखा करो यार, पता होगा आपको। खैर इसका आंसर दो फटाफट से। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ इसके करेक्ट आंसर की तरफ। तो गाइज सी आ गया है, 2। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, मतलब सुने तो हो गए यार, औपचारिक अनौपचारिक, है ना यार, सुने तो हो गए। हिंदी वाले देखो, हिंदी में जिसका इंटरेस्ट होगा वो लिखा होगा, पत्र दो तरह का होता है, अनौपचारिक और औपचारिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। अरे वाह, कितने का है यार, यार क्या जब का क्वेश्चन है ये तो मतलब खुश हो जाएंगे जहाँ के होगा। यार पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने क्वेश्चन, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक मनई के दो बेटवे रहीं, ओमा लहुरा अपने बाप से कहीं, दादा धन माँ जो दादा धन माँ जवन हमारा बखरा लागत होए, तवन हमका दई दे। तो यार ये पूछ रहा है ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है, हिंदी की किस बोली में है। मैं आपके सामने रखता हूँ ऑप्शन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बता दोगे है ना, फटाफट ये रहा चार ऑप्शन बताओ यार, भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली। देखो खड़ी बोली तो नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूँ यार, क्वेश्चन इतना ईजी है, लगाओ यार फटाफट। आई होप आपने दे दिया होगा, मैं बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। तो गाइज ए भोजपुरी बिहार वालों खुश हो जाओ, है ना यार, हापी का तो लैंग्वेज था ये। तो लो यार बढ़ते हैं, मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। तो यार इसको पढ़ो फटाफट से, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, यानी कब हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया। फाइनली आपके सामने मैं ऑप्शन पुट कर देता हूँ। तो गाइज ये आ चुके हैं आपके सामने चार ऑप्शन, फटाफट यार इसे लगाओ, है ना, लेट मत करो, अपने आप को बहुत तेज़ी से चलना है। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा, जितने लोग ने सही दिया है बहुत सही है, थम्स अप आपके लिए। और जो लोग गलत दिए यार, देखो यहाँ से जानो और सीखो क्या है करेक्ट आंसर। तो गाइज इसका सी इज़ द राइट आंसर, 14 सितंबर 1949, यानी 14 सितंबर 1949 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो गाइज ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है ना। ऑप्शन भी रख देता हूँ आपके सामने, बताओ इनमें से कितने भाषाओं की 8वीं अनुसूची में, बताओ इनमें से कितनी भाषाओं की 8वीं अनुसूची में संख्या है, बताओ यार फटाफट से भारतीय संविधान में। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा, मैं बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। डी इज़ द राइट आंसर, क्या है, 22। टोटल यार 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में, मतलब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको मिल चुका है जगह, है ना यार। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तो गाइज भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, आपको ये बताना है सही अनुक्रम क्या है। रखता हूँ आपके सामने चार ऑप्शंस, ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, लंबे चौड़े आ चुके, मैं थोड़ा हट जाऊँ क्या, नहीं दिख तो रहा ही होगा, है ना यार, लो थोड़ा सा और हट जाता हूँ, दिख तो रहा ही होगा। तो गाइज आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दे दिया होगा, मैं बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। तो गाइज ये आप गया हरा चमक के आ गया यार, क्या है, डी। तो गाइज इसका सही, देखो ये अनुक्रम यही है, ध्वनि से शब्द बनता है, फिर शब्द से पद बनते हैं, और फिर आपके पद से वाक्य बनते हैं, है ना, यही चीज़ बताना था इसमें। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ऐसे लग रहे होंगे भले इसका मतलब जो आंसर दे देते हैं यार खटाकर उनके लिए तो लगता है यार क्या इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो अगर नहीं दे पा रहे हो यार, तो यार सीखने का समय आ गया है ना, तो सीखते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। अरे वाह, तालव्य व्यंजन है, इनमें से कौन सा, बताओ तालव्य व्यंजन है। अच्छा ऑप्शन भी चाहिए, दे रहा हूँ यार, ये बताओ ऑप्शन नंबर आपका ABCD आ चुका है, इनमें से बताओ कौन सा तालव्य व्यंजन है। अब तालव्य व्यंजन क्या होता है पता होगा तो दे पाओगे यार, मैं बता दूंगा, पहले इसका एक बार ट्राई तो करो आप। देखो एंट्रेंस में या किसी एग्जाम में अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है यार, तो सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं बन जाए हमसे, कुछ तो तुक्का लगाना ही पड़ता है।
अगर देखना चाहते हो आप चैनल पे जाओ यार, बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो पड़ी हुई हैं, हर चीज़ की स्ट्रेटजी बना चुका हूँ यार, जाओ देखो यार, अभी और वीडियो आनी यार, अभी और वीडियो आती रहेंगी चैनल पे। नए हो यार सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। मैं बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। तो गाइस तालव व्यंजन का ये रहा आपका पहला आंसर, च छ ज झ, ये है ना, ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यार तालव व्यंजन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तालव मतलब कि जो आप जीभ से बोलते हो ना, जीभ का पिछला हिस्सा जब आपके ऊपर तालू से टच करता है, जैसे अब बोलो, अब अभी बोलो आप बैठ के, च छ च झ, तो अब जीभ का जो है पिछला हिस्सा आपके तालू से टच कर रहा है ना, तो ये जो जितने भी ऐसे निकलते हैं आपके, वो तालव व्यंजन में आते हैं। तो बढ़ता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे यार, समझदार तो आप बचपन से हैं। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, मतलब सॉरी यार, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, इनमें से कौन सा संधि दयानंद में लगी हुई है ना यार, स्प्लिट करो, चेक करो, व्हाट इज द राइट आंसर। मैं बढ़ता हूँ इसके करेक्ट आंसर, उससे पहले मैं आपको पहले ऑप्शन भी देता हूँ। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, लगाओ यार, लगाओ ऑप्शन, लगाओ फटाफट, है ना। आई होप आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ इसके करेक्ट आंसर की तरफ। तो गाइज बी दीर्घ संधि है ना, तो क्या यार दयानंद को जब आप स्प्लिट करोगे है ना यार, तो दया धन आनंद, ओ सी आई डी वाला दया, दया धन आनंद, तो यार यही होता है दयानंद, तो इसमें दीर्घ संधि का यूज हुआ है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार क्वेश्चन नंबर 21, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है ना, प्रत्यय उपसर्ग, आई होप आपने पढ़ा होगा ग्रामर में। तो यार उपसर्ग पूछा है, ऑप्शन दे देता हूँ फटाफट, बहुत ही ध्यान से सोच के करना है यार, गलती करते हैं बच्चे यार, जल्दीबाजी में गलती करते हैं, कुछ लोग को आंसर पता होता है तो गलत जल्दीबाजी में गलती मार देते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता है तो अलग ही लेवल है यार। तो यार बताओ यार, पहले इसका आंसर बताओ। तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको शो कर देता हूँ। तो गाइज ये रहा, बी इज द राइट आंसर, यानी चीर, देखो चिरायु को स्प्लिट जब करोगे तो चीर धन आयु बनता है ना, चीर धन आयु, चीर का मतलब क्या, चीर का मतलब आपका हो गया कि लंबी, और आयु तो मतलब उम्र, लंबी उम्र, चिरायु भव वरदान, अच्छा वरदान सीरीज तो चली रही है यार, तो यार चिरायु भव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो गाइज फोड़ते रहो है ना, रुकना नहीं यार, साथ बनाए हो तो बनाते रहो, ऐसे ही चलते रहो मेरे साथ। वकील किस भाषा का शब्द है, आपके सामने मैं रखता हूँ अब चार ऑप्शन, ये बताओ, इनमें से पढ़ो चार ऑप्शन को, रोको, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे आंसर कमेंट करो यार फटाफट से, आई होप आपने कर लिया होगा। मैं बढ़ता हूँ इसके आंसर की तरफ। तो गाइज ये आ चुका है चमक्के बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि अरबी भाषा का शब्द है वकील। मैं बढ़ता हूँ 23वें क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो यार पूछा है क्या कारक के, तो यार पूछा है कारक के कितने भेद हैं, बताओ फटाफट बताओ, कारक पढ़े होगे ना ग्रामर में, बताओ कारक के कितने भेद होते हैं, टाइप्स ऑफ कारक। यार रख देता हूँ आपके सामने, ये रहे ऑप्शंस, 7, 8, 9, 10, बताओ यार इनमें से कौन सा, बताओ क्या आंसर फटाफट, जल्दी सोचो, काउंट करो फटाफट, बताऊँ मैं, चलो ठीक है मैं आपको आंसर दिखाई देता हूँ फाइनली। तो गाइज ये रहा इसका आंसर, 8, मतलब 8 प्रकार के होते हैं कारक। नाम जानना चाहते हो, देखो बता देता हूँ फटाफट से मैं, पहला कारक आप देखो काउंट करा देता हूँ है ना, रुके रहो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, है ना, टोटल कितने हो गए 8, तो यही थे 8 कारक। मैं बढ़ता हूँ अब अगले क्वेश्चन की तरफ रिमोटली, रुके रहो यार, कवि का स्त्रीलिंग पूछा है, बताओ ऑप्शन दे दूँ, लो पहले सोच लिए होगे कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, मुझे पता है, पता होगा। तो गाइज ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, फटाफट स्क्रीन पे इसे सॉल्व करो, देखो सॉल्व क्या करना है यार, इसमें केवल मात्रा का ही पूछा है, मात्रा का ही डिफरेंस है ना यार, तो श्रुति लेख आप अगर लिखे हो के हिंदी आपकी अच्छी होगी तो आप इसका आंसर दे पाओगे। मैं बढ़ता हूँ इसके सही आंसर की तरफ फटाफट से। तो गाइस ये आके आ गया है, ये आ गया है कवित्री, कवित्री इज़ द राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी, ऐसे लिखते हैं भाई, जिसको गलती हुई हो देख लो फटाफट। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, हो फाइनली गाइस, इसको तो आप ही रीड करो, मैं नहीं रीड करने वाला है ना यार, फाइनली पूछा क्या है मैं बस इतना ही बता देता हूँ।
बता दूं क्या? देखो पूछा है कि हमारे नाम में है ना, इसका हमारे नाम का संधि विच्छेद करो, यही पूछा है और कुछ नहीं। फाइनली गाइज क्वेश्चन का ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। अब मुझे देखो ऐसे नहीं दिया हूँ यार, कई बार पूछ चुका है कॉम्पिटिशन्स में है ना, ऐसे नहीं पूछ रहा मैं। लगा दो सही आंसर, देखता हूँ कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। 90% लोग इस क्वेश्चन का जवाब गलत देते हैं यार पेपर में, उनको समझ नहीं आता है कि कैसे स्प्लिट करें। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा ही नाम है तो मैं बहुत भाव खा रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है यार, है ना। है यार क्वेश्चन में दम है, आप लगाओ एक बार, ट्राई करो करेक्ट आंसर पुट करने की कोशिश करो यार। मैं बढ़ता हूँ अब इसके आंसर की तरफ फटाफट से, तो दिखाऊँ क्या? चलो दिखा देता हूँ। तो गाइज ये आ चुका है अभी धन सेक, कौन सा पहला ऑप्शन? नहीं गलत नहीं है यार, ये गलत नहीं है, आप सर्च कर लो, यही होता है। आपको लग रहा होगा ना कि यार अभिषेक को स्प्लिट करेंगे तो ये कौन सा, हमको लग रहा था यार सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं यार सी नहीं है आंसर, आंसर नंबर ए है। मैं आपको काम भी दे देता हूँ, जाओ गूगल पे सर्च करो कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है ना, पहले ही आपको तीन लाइन में सब समझ में आ जाएगा। कुछ काम यार आप भी कर लिया करो, है ना। तो फाइनली गाइज एंडिंग होती 25 क्वेश्चंस की, और ये चीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो आप ये चीज़ कर सकते हो, है ना यार। ये जो अब नीचे बड़े बड़े घंटे दिख रहे हैं, ये लाल वाला बटन, ये सब देखो यार एक बार बता दें, एग्ज़ाम हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता, है ना यार। अपन लोग पढ़ रहे हैं, देखो क्या है ना, बीच में अगर जैसे कि इतना दिन पढ़ के आए हैं, अगर अचानक से हम छोड़ देंगे केवल वजह से कि एग्ज़ाम अब नहीं हो रहा, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती कर देते हो यार तुम लोग कि एग्ज़ाम नहीं हो गया अब आगे तो रिलैक्स हो जाओ, एकदम आराम से छोड़ दो सब कुछ सब हर दिन के लिए। नहीं यार, जहाँ आप छोड़ दोगे एक महीने के लिए किताब, फिर दोबारा उठाने का मन नहीं करेगा, और अगर उठा भी लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर एकदम से अजीब लगेगा। तो अभी जो फ्लो बनाए हो इसको बरकरार रखो, है ना। आप जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपने जो भी जिस भी बोर्ड के आप हो यार, नो मैटर, बट आप उसका फ्लो बनाए रखो, है ना। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, 11th की बुक्स पढ़ो, और आगे आप आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए जानने के लिए। तो फाइनली गाइज मैं कहने वाला हूँ यार कि यार चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ ये जो आके बगल में आपके साथ घंटा आइकन दबाना, है ना यार। तो यार वरदान सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कॉमेंट में कॉमेंट कर देना, और 25 में से आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया वो भी बता देना। मैं लेके आने वाला हूँ अगला वीडियो इंग्लिश पे, है ना, इंग्लिश के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग मिलके साथ में फोड़ेंगे। तब तक बाय।